अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आवाज़ की आज़ादी न्यूज़ चैनल में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की बड़ी और अहम खबर। धारूर तालुक़े में तेलगांव के करीब बीड़ परली हाईवे पर परली से तेज़ रफ्तार से आ रही तेज़ रफ़्तार स्विफ्ट डिज़ायर नांदेड़ ज़िले के भोकर से तेलगांव के रास्ते बीड़ जा रही थी कि तेलगांव में एक अलमनाक हादसा पेश आया। तेलगांव में परली रोड पर अमर बियर बार के करीब ड्राइवर ने स्टीयरिंग व्हील पर कंट्रोल खो दिया और सड़क के नीचे एक खाई में बबूल के दरख्त से टकरा गया। गाड़ी इतनी ज़ोर से टकराई कि मशरक़ से आने वाली गाड़ी ज़ोरदार आवाज़ से टकराई और गाड़ी का अगला हिस्सा तेज़ रफ्तारी से शुमाल की तरफ मुड़ गया। ड्राइवर और ड्राइवर साइड सीट पर बैठा नौजवान मौके पर ही जहाँ बहक हो गए। पिछली सीट पर बैठा नौजवान अगली और पिछली सीटों में फंस गया। हलाक और ज़ख्मी होने वालों का ताल्लुक नांदेड़ ज़िले के भोकर से है। ताहम मालूम हुआ है कि मरने वालों में यूसुफ शेख और मोकमपले शामिल है और अमूल वागमारे शदीद ज़ख्मी है। नौजवान की टांग टूट गई। गांव के करीब हादसे की वजह से अमर बियर बार के मालिक कांता पाटिल लगड़ दीगर शहरियों के साथ मौके पर पहुंच गए। हादसे की इत्तला मिलते ही शहरियों की बड़ी तादाद जमा हो गई। जाए वक़ों पर जमा होने वाले शहरियों ने लोगों को गाड़ी से बाहर निकालने की मशरूत कोशिश की, लेकिन उसे बाहर नहीं निकाला जा सका। पुलिस अहलकारों और शहरियों ने JCB की मदद से ज़ख्मियों और दूसरों को बचाया। जहाँ बहक और ज़ख्मियों को एम्बुलेंस के ज़रिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस वक्त पुलिस अमला अनिल भलेराव बालाजी और JCB के मालिक मछिंद्रा माने किड्डू ने इंसानियत का मुजाहरा करते हुए ज़ख्मियों को एक हालत में निकालने की कोशिश की। हमें उम्मीद है कि यह खबर आपको पसंद आई होगी। अब तक आपने आवाज़ की आज़ादी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।